इस शहर राजनाथ की तस्वीर ने मचाया तहलका। कोई कह रहा तस्वीर से उड़ गई विरोधियों की नींद, तो किसी ने बताया अखंड भारत का भेद कवच। लेकिन तस्वीर देखकर कांग्रेस को लग गई तगड़ी मिर्ची। आप भी जान लीजिए किसने खींची ऐतिहासिक तस्वीर, जिससे मोदी समर्थक तो खुश हैं, लेकिन चिढ़ गए विरोधी। कौन कहता है युद्ध बस हथियारों के दम पर ही लड़ा जाता है, कभी कभी एक कैमरे से भी विरोधियों की नींद उड़ाई जा सकती है। और अगर यकीन नहीं है तो देख लीजिए देश की सत्ता संभाल रहे इन तीन सबसे ताकतवर चेहरों को। सबसे पहले हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरे नंबर पर हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और तीसरे नंबर पर हैं राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले देश के गृह मंत्री अमित शाह। देश की राजनीति की ये वो तीन चेहरे हैं जिन्हें देखते ही विरोधियों के दिलों में जैसे आग लग जाती है। तभी तो जब से राजनीति के इन तीन महारथियों की तस्वीर सोशल मीडिया पर भौकाल मचा रही है, न जाने कितने मोदी विरोधियों का चिढ़कर बुरा हाल हो रहा होगा। क्योंकि ये जबरदस्त तस्वीर ऐसे समय पर आई है जब धूर्त चीन अपनी विस्तारवादी सोच को अंजाम देने की नाकाम कोशिश कर रहा है। कैमरे से निकली एक तस्वीर हजारों शब्दों के बराबर होती है, यानी जो बात आप हजार शब्दों को लिखकर बयां करते हैं, वही बात कभी कभी एक तस्वीर बयां कर देती है, और उस तस्वीर को अनंत काल तक याद किया जाता है। कुछ ऐसी ही तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह, बीजेपी के तीनों ही कद्दावर नेता, बड़े ही गुस्सैल मिजाज के साथ नजर आ रहे हैं। चीन के दुस्साहस के बीच सोशल मीडिया पर तहलका मचा रही इस ऐतिहासिक तस्वीर को आज हर कोई सोशल मीडिया पर शेयर कर रहा है। लेकिन जिस शख्स ने इस ऐतिहासिक तस्वीर को अपने कैमरे में कैद किया है, उस शख्स के बारे में आपको बता दें, वो कोई और नहीं फोटो पत्रकार अरुण शर्मा हैं, जो न्यूज एजेंसी पीटीआई में काम करते हैं और इसी तरह से राजनीतिक पलों को अपने कैमरे में कैद करते हैं। 13 दिसंबर के दिन भी वो देश की संसद भवन में अपने काम को अंजाम देने में लगे हुए थे, क्योंकि इसी दिन यानी 13 दिसंबर 2001 के दिन पाकिस्तानी आतंकवादियों ने संसद भवन पर हमला किया था, जिसकी 21वीं बरसी के दिन पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए थे। इसी दौरान कैमरामैन अरुण शर्मा ने लाइन से खड़े तीनों ही नेताओं की तस्वीर अपने कैमरे में कैद कर ली, और आज यही तस्वीर सोशल मीडिया पर धमाल मचा रही है। इस ऐतिहासिक तस्वीर पर लोगों ने क्या कहा? फोटो पत्रकार अरुण शर्मा के कैमरे से खींची गई ऐतिहासिक तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया पर तहलका मचा रही है। लोग इस तस्वीर पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। निशीत रावल नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, कौन कहता है युद्ध केवल हथियार और गोला बारूद से लड़ा जाता है, कभी कभी कैमरा से भी दुश्मनों की नींद उड़ाई जा सकती है। अरुण शर्मा जी द्वारा ली गई ये तस्वीर इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। पत्रकार सोनू गुप्ता ने लिखा, अरुण शर्मा आपको बहुत बधाई, ये तस्वीर अगले महीने कई मैगजीन के कवर पेज पर हो सकती है। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने इस तस्वीर पर लिखा, अखंड भारत की अभेद कवच। पत्रकार विकास सिंह चौहान ने लिखा, ये तस्वीर बेहद कमाल है, उससे भी कमाल है अरुण शर्मा जी आपकी दूरदर्शिता, कमाल कर दिया जो आपने ये शानदार चित्र सहेजा। ये तस्वीर कल से ही सोशल मीडिया पर छाई है, लेकिन मुझे ये आज पता चला कि इसके असली हकदार आप हैं। अनंत बधाई शानदार चित्र के लिए। बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने तो लिखा, उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद की निगेबान है ये आंखें। पत्रकार संतोष कुमार शर्मा ने तो लिखा, आजाद हिंदुस्तान की सबसे ताकतवर तीन शख्सियतों की एक लाइन में ये शानदार तस्वीर अरुण शर्मा ने ली है। तमाम लोगों ने जहां अरुण शर्मा की इस तस्वीर की तारीफ की, तो वहीं कांग्रेस नेता इस तस्वीर के बहाने मोदी सरकार को कोसने में जुट गए। कांग्रेस युवा मोर्चा के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने इस तस्वीर पर लिखा, लाख आंख प्लस कड़ी निंदा बराबर सब जुमला है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने तो इस तस्वीर पर तंज मारते हुए लिख दिया, तीन तिगाड़ा हर बनता काम बिगाड़ा। फोटो पत्रकार अरुण शर्मा के कैमरे से खींची गई मोदी, शाह और राजनाथ की ऐतिहासिक तस्वीर पर सोशल मीडिया पर कुछ इसी तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। तमाम पत्रकार और बीजेपी नेता जहां इस तस्वीर की तारीफ कर रहे हैं,
तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस जैसे मानो तीनों नेताओं की तस्वीर देखकर बुरी तरह चिढ़ गई है। इसलिए कांग्रेस के तमाम नेता इस तस्वीर के बहाने मोदी सरकार को कोसने में जुट गए हैं। बहरहाल इस ऐतिहासिक तस्वीर को खींचने वाले फोटो पत्रकार अरुण शर्मा के बारे में आपको बता दें, वो इस वक्त न्यूज एजेंसी पीटीआई के लिए काम कर रहे हैं। इससे पहले अमर उजाला और हिंदुस्तान टाइम्स जैसे बड़े संस्थानों के साथ भी काम कर चुके हैं और इस दौरान अरुण शर्मा ने वैसे तो अपने करियर में तमाम तस्वीरों को कैद किया होगा, लेकिन इस बार उन्होंने मोदी, राजनाथ और शाह की जो तस्वीर खींची वो ऐतिहासिक तस्वीर बन गई है। बहरहाल ऐसी तस्वीर खींचने वाले फोटो पत्रकार अरुण शर्मा के बारे में आपका क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही चीन मामले में जवाब देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस गरिमामयी सदन को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हमारी सीमा पर 9 दिसंबर 2022 को हुई एक घटना के बारे में अवगत कराना चाहूँगा। 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए अध्यक्ष महोदय, और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शन के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है हमारी भारत की सेना, और मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि यह संसद बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता, शौर्य, पराक्रम व प्रतिबद्धता का भी अभिनंदन करेगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।